हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन विद्यार्थी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी आप लोग अध्ययन कर रहे हो क्लास 12 का, और 12 में डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, उसके पहले भी बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो हम लोग अध्ययन करेंगे वो है इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स। अगर यदि डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं तो हमको नहीं लगता है कि इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन का भी चर्चा करते चलेंगे और इंटीग्रेशन का भी अध्ययन करते चलेंगे। तो सबसे पहले ये हम लोग को देखना है कि जिस तरह से डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा, तो डिफरेंशिएशन में बहुत सारी फॉर्मूलाओं को अध्ययन किया होगा। हम लोग बिना फॉर्मूला का अध्ययन के डिफरेंशिएशन को सॉल्यूशन भी नहीं किए होंगे। उसी तरह से जब इंटीग्रेशन को हम लोग पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में भी बहुत ऐसी फॉर्मूलाएं हैं जिसको याद रखना जरूरी है, जिसके बिना याद रखे इंटीग्रेशन का कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग डिफरेंशिएशन का साथ लेकर के इंटीग्रेशन को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स दैट इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो इंटीग्रेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तो इससे पहले मैंने कह चुका कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स इंटीग्रेशन। तो यदि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं यहां फॉर्मूला में लिख चुका हूं। आप देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि अगर यदि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स आएगा, जब साइन एक्स इंटीग्रेशन करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि वो माइनस कॉस एक्स आएगा। तो इस तरह से हम लोग सारी फॉर्मूलाओं को देखते हुए चलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डीएक्स। इसका दो फॉर्मूला होता है, एक तो होता है लॉग सेक एक्स और दूसरा होता है लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स। ये इसीलिए कि हम लोग ये देखते हैं और ये जानते भी हैं कि डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स हम लोग बोलते हैं कि इंटीग्रेशन होता है कि दोनों को डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि टेन एक्स आता है या नहीं आता है। अगर यदि दोनों को डिफरेंशिएशन करके देखते हैं, अगर टेन एक्स आ जाता है तो इट इज श्योर दैट कि टेन एक्स को जब इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग सेक एक्स और लॉग कॉस एक्स वो दोनों आएगा। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स को लॉग सेक एक्स और लॉग कॉस एक्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है कॉट एक्स डीएक्स, कॉट एक्स डीएक्स कहने का मतलब लॉग साइन एक्स माइनस लॉग कॉस एक्स, या तो ये भी लिख सकते हैं या तो ये भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स और माइनस लॉग कॉस एक्स। नेक्स्ट नंबर है सेक एक्स इंटू टेन एक्स डीएक्स दैट इज इक्वल टू सेक्स। ऐसा हम लोग ये जान करके जानना चाहेंगे कि भाई सेक एक्स इंटू टेन एक्स डिफरेंशिएशन होता किसका है। तो यदि sec x into tan x डिफरेंशिएशन sec x का होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x हो जाएगा। उसी तरह से यहां भी अगर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस cos x into cot x आएगा, लेकिन जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो cos x into cot x जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस cos x आएगा। अब यहां एक और फंक्शन है ex, ex का इंटीग्रेशन करेंगे तो ex आएगा। यहां भी इससे पहले चूंकि ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 बाई एक्स आता है, तो इंटीग्रेशन में जब इसका हम लोग अध्ययन करेंगे तो 1 बाई एक्स का जब इंटीग्रेट करेंगे तो log x आएगा। सेम एज ये अलजेब्रिक फंक्शन है, x टू दी पावर n का इंटीग्रेट करेंगे तो x टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। जैसे डिफरेंशिएशन में हम लोग ये भी पढ़े थे कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन जब इंटीग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे तो उसको पलट देंगे
वन बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डीएक्स दैट इज इक्वल टू साइन। तो इस तरह से ये बहुत सारी फॉर्मूलाएं हैं, ये इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ। इसमें एक चीज देखा जाता है विद्यार्थी कि इंटीग्रेशन करने के बाद किसी भी फंक्शन में हम लोग एक क्या करते हैं कि एक कॉन्स्टेंट टर्म को एड करते हैं। अब भाई कॉन्स्टेंट टर्म को एड क्यों करते हैं, वो सभी में एड करेंगे। कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग एड क्यों करेंगे, क्योंकि जब इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग दो तरह का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो जिस समय इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हमारा जो भी फंक्शन होता है वो इनडिफिनिट होता है। तो इसीलिए इनडिफिनिट का मतलब अब हम कहां इनडिफिनिट जाएंगे वो तो कोई उसकी निश्चितता है नहीं। तो उसकी निश्चितता को प्राप्त करने के लिए हम लोग एक ऐसा कॉन्स्टेंट टर्म डाल देते हैं जिसके चलते वो निश्चित एक फंक्शन, एक श्योर एंड सर्टेन फंक्शन बन जाता है कि उसके आगे और हम बढ़ेंगे नहीं। जैसे ऐसे नेचुरल भाषा में कहा जाता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, किसी भी चीज को जोड़ना। जैसे 50 अगर एक किताब की बात करें तो किताब में 100 पेज होते हैं, तो 100 पेज को जोड़ दिए तो 100 पेज का एक इंटीग्रेशन हो गया, एक बुक बन गया, तो 100 पेज का इंटीग्रेशन बोलते हैं। अगर यदि मान लीजिए इस तरह से पेजों की संख्या जोड़ते जाए तो इसका यह मतलब नहीं कि वो कहां तक जोड़े, वो तो अनगिनत चला जाएगा। इसीलिए उसको एक निश्चितता करने के लिए एक कॉन्स्टेंट टर्म को हम लोग डालें जिससे ये पता चल जाए कि उससे आगे वह फंक्शन नहीं जाएगा। अब यहां बात ये आती है विद्यार्थी कि इतने जो हम लोग फॉर्मूला लिखी, इतने फॉर्मूला में हम लोग कैसे जानेंगे कि इतना ही फॉर्मूला होती है, हो सकता है कि इसके अलावा और फॉर्मूला होता है। तो थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं, ये जान लेते हैं कि कौन कौन फंक्शन का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे ताकि हमारा उस फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ने के बाद हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाए। तो यहां मैंने एक शब्द लिखा आइलेट, यह बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर ये शब्द को जान गए तो हमारे समझ से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के जितने भी फंक्शन है, इंटीग्रेशन के जितने भी फंक्शन है, सारे फंक्शन को हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा इसको हम हल्का सा मिटा देते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। आई फोर होता है इनवर्स, एल फोर होता है लॉगरिथम, ए फोर होता है अलजेब्रिक, टी फोर होता है ट्रिगोनोमेट्रिक और ई फोर होता है एक्सपोनेंशियल। अब हम लोग थोड़ा सा इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। इनवर्स अगर यदि लिखें तो इनवर्स फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेशन किए कि नहीं किए, लॉगरिथमिक लिखें तो लॉगरिथमिक फंक्शन को इंटीग्रेट किए कि नहीं किए, अलजेब्रिक लिखें तो अलजेब्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट किए कि नहीं किए, और ट्रिगोनोमेट्रिक लिखें तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को इंटीग्रेट किए कि नहीं किए, और एक्सपोनेंशियल लिखें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इंटीग्रेट किए कि नहीं किए। तो एक बार हम लोग सर्च कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 ऐसा नंबरिंग किया हुआ है। एक नंबर में हमारा था साइन एक्स डी एक्स, वो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से है, कोस एक्स डी एक्स, टेन एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स, सेक एक्स, ये जितने भी हैं ये सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हैं। तो जनरली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कोस टेन कॉसेक सेक कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को हम लोग इंटीग्रेट यहाँ ऑलरेडी देख चुके हैं।
नेक्स्ट है लॉगरिथम फंक्शन। तो लॉगरिथम फंक्शन ऑलरेडी यहां हम लोग देख चुके हैं कि log x 1 बाई एक्स का log x होता है, तो लॉगरिथम फंक्शन भी हम लोग का आ चुका है। नेक्स्ट है अलजेब्रिक। तो अलजेब्रिक में ये आता है हम लोग का x टू द पावर n, और x टू द पावर n का हम लोग फॉर्मूला ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। अलजेब्रिक में एक और आता है जिसको हम लोग मिस कर रहे हैं, उसको भी हम लोग साथ लेकर के चलते हैं, उसको 16 नंबर आ जाएगा। a टू द पावर x dx दैट इज इक्वल टू a टू द पावर x डिवाइडेड बाई log a प्लस c। ये कॉन्स्टेंट टर्म हर एक में जुड़ता है, जहां अगर यदि नहीं जुड़े तो दैट मीन समझिए कि वहां आपने मिस्टेक किया। ये कॉन्स्टेंट टर्म हर एक में जोड़ना है, कॉन्स्टेंट टर्म जोड़ दिए तो वो इंडिकेट हो गया कि वो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को अध्ययन कर रहे हैं। तो ये सारी फॉर्मूलाओं को जानने के बाद थोड़ा बहुत हम लोग कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करते हैं ताकि फॉर्मूला क्लियर हो जाए। एक एक क्वेश्चन के आधार पर, एक एक फॉर्मूला के आधार पर एक एक क्वेश्चन को हम लोग अध्ययन करते हैं, देखते हैं। तो विद्यार्थी अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। जितने भी फार्मूला को अध्ययन किए उस फार्मूला पर उसको सवाल हम लोग बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। वेरी सिंपल क्वेश्चंस, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx। तो सिंपली अभी हम लोग देखें क्या कि साइन x का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस कॉस x होता है, प्लस सी होता है। तो अगर यदि हम लोग इसका इंटीग्रेट करें तो माइनस कॉस 2x तो होगा ही होगा, प्लस सी होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x था, उसके अनुसार से हम लोग लिख दिए cos 2x, लेकिन x से पहले 2 भी है तो उस 2 का क्या करना होगा, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो इस 2 का एक नियम है, कोई भी इंटीग्रेबल फंक्शन में अगर यदि x के साथ में कोई कॉफिशियंट हो तो हम लोग करते क्या है कि इंटीग्रेशन के बाद x के कॉफिशियंट से डिवाइड कर देते हैं। तो x का कॉफिशियंट 2 है, इसका यह मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा वो। दैट मीन्स इसको यदि अरेंज करके लिखना चाहिए तो ऐसा लिख दीजिए माइनस 1 बाई 2 कोस 2x प्लस सी। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसी तरह से हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन पर को चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे एक और सवाल हम लोग लेते हैं, वो बिल्कुल फॉर्मूला पर आधारित है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चंस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 5 डीएक्स। तो यहां तीन फंक्शन का एक समावेश है और ये तीन फंक्शन का इंटीग्रेशन एक साथ करना है। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि तीनों फंक्शन को पहले इंटीग्रेबल फंक्शन सेपरेट कर ले। इस रूप में इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डीएक्स प्लस इंटीग्रेबल फंक्शन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 5 डीएक्स। सबको हम लोग सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद हम लोग करेंगे क्या, जैसा कि पूर्व में हम लोग फार्मूला पढ़ चुके हैं कि भाई 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इसका होता है टेन इनवर्स एक्स। ये फॉर्मूला से ऑलरेडी डिसाइडेड है। माइनस एक्स टू द पावर 5 का ये एक सेम फॉर्मूला पर टूटता है। एक सेम फॉर्मूला कहने का मतलब ये होता है, चूंकि हम लोग जानते हैं एक्स एन इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 प्लस
सी, आप इसको यदि अरेंज करके लिखना है तो अरेंज करके लिख दीजिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स टू द पावर सिक्स बाई सिक्स प्लस सी, दैट इज कंप्लीट इंटीग्रेशन। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये जनरल इंटीग्रेशन कहलाता है। अब इस तरह से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो थोड़ा सा हम लोग बहुत इजीली सॉल्यूशन कर लेंगे। इजीली सॉल्यूशन तब कर पाएंगे जब सारे फॉर्मूलाओं को बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखेंगे। तो विद्यार्थियों, थोड़ा सा फॉर्मूला को याद रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से याद हो, ताकि क्वेश्चंस को बनाने के समय किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आए। थैंक यू।